हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट की एप्लीकेशन को एक साल तक ओपन नहीं करते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं या फिर रेफर के थ्रू पैसा नहीं कमाते हैं, तो आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। मतलब कि वो अकाउंट आपका इनएक्टिव हो चुका है, 12 महीने के अंदर आपने यूज नहीं किया है। अगर अब आप उस डीमैट अकाउंट का यूज करना चाहते हैं, चाहे रेफर एंड अर्न के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, तो डीमैट अकाउंट आपको दोबारा से रीएक्टिवेट करना होगा। तो दोस्तों, मेरा अभी अकाउंट था ग्रो एप्लीकेशन, तो उसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया था। मेरा तो था नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है जो कि 12 महीने से ओपन नहीं हुआ था, मेरे दोस्त का अकाउंट है। अब रीएक्टिवेट करने के लिए एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरे जो दोस्त है, ठीक है, तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो गया था ग्रो ऐप का। तो मैं ग्रो ऐप में आपको बताने वाला हूँ कि आपका भी अगर अकाउंट इनएक्टिव या फिर डोरमेंट हो गया है तो आप उसको किस तरीके से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करना है और इसमें आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा अकाउंट एक्सपायर्ड। नीचे रीजन भी लिखा हुआ है कि आप एक साल से इनएक्टिव हो, इसीलिए आपका अकाउंट एक्सपायर हो गया है। अगर आप दोबारा से इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो केवाईसी करने के लिए आप रीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इधर आपको कुछ केवाईसी से रिलेटेड डिटेल मिलेगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेम ही रहने दें। उसके बाद नीचे आई कन्फर्म पर टिक कर दें और उसके बाद कन्फर्म कर दें। उसके बाद नीचे इसमें ऑप्शन आ रहा है अकाउंट सेटअप फॉर लाइव प्राइज। आप इसको सेटअप पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और यह अंडर रिव्यू है। अगर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करते हैं तो बता रहा है कि अभी इधर प्रोसेसिंग में है। और दोस्तों, इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में 48 घंटे तक का टाइम लगता है। उसके बाद आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने ग्रो एप्लीकेशन को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या फिर रेफर एंड अर्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मैंने तो बोल दिया कि आप करोगे,